अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं मटन जहांगीरी। मटन जहांगीरी बनाने के लिए हमारे पास 500 ग्राम मटन का गोश्त है। हमने इसको पानी में डाल दिया था। 10 मिनट पानी में डालने के बाद अब हमने इसको निकाल के छन्ने में रख दिया है। हम क्या करते हैं, फटाफट से इसको इसके अंदर डाल देते हैं कुकर के, और इंग्रेडिएंट भी डालते जाएंगे और आपको भी दिखाते जाएंगे। तो ये हमारा 500 ग्राम गोश्त है। हम क्या करेंगे, इस गोश्त को उबालेंगे, यानी कि हम इसको थोड़ा गलाना चाहते हैं। तो गलाने के लिए हम इसको अखनी की तरह उबालेंगे। उसके लिए आप देखेंगे हमारे पास 1 टीस्पून नमक है। ये हम सीधा गोश्त में डाल देते हैं नमक। और ये हमारे पास 2 बेलीफ हैं, 6 से 7 ये लहसुन की कलियां हैं, हमारे पास 2 ही प्याज हैं, 1 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा धनिया है, 2 हरी इलायची हैं, 2 लौंग हैं और 10 काली मिर्च हैं। ये भी हम डायरेक्ट गोश्त में डाल देते हैं। और ये जो हमारे पास हमने बाउल में निकाला है, हम इसे एक बार थोड़ा सा धो लेते हैं। प्याज वैसा हमने इसको मसल मसल के, इसका एक्स्ट्रा छिलका प्याज का हमने ऊपर से हटा भी दिया है, उसके अलावा भी हम इसको धो लेते हैं। और हम इसको सीधा डाल देते हैं गोश्त के अंदर। आप चाहें तो किसी कपड़े में भी बांध लें, हम भी बांधते हैं कभी कभी, लेकिन ये उबलने के बाद नीचे बैठ जाता है, तो हम कभी कभी इस तरीके से भी डालते हैं। इसको हम छन्नी से निकालते हैं इसमें से। ये साफ ही था पानी, हमने सोचा कभी गंदा ना हो, इसलिए हमने इसको धो लिया है एहतियातन। ये इसमें डाल देते हैं जो हमने छन्नी में छाना है। हम इसके अंदर 250 मिलीलीटर पानी डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इसमें 2 सीटी लगाएंगे। जो पानी बचेगा वो जो हम डिश बनाएंगे उसमें काम आ जाएगा। 250 मिलीलीटर से ज्यादा पानी ना डालें। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसमें 2 सीटी लगाते हैं। हमारे पास ये 200 ग्राम प्याज है, 200 ग्राम टमाटर है। हम इसको छील के बारीक चॉप कर लेंगे प्याज को, इसी तरीके से हम टमाटर को भी छील के बारीक। पहले किसी चीज में टमाटर यूज किए थे, हमने कहा था हमने टमाटर छील कर चॉप किए हैं। हमारे व्यूवर्स के कमेंट्स आए कि आप हमें बताएं कि आपने टमाटर किस तरीके से छीले हैं, तो मैं बिल्कुल उन्हीं के लिए बताना चाह रही हूँ। टमाटर बड़ी आसानी से छिल जाते हैं, ये देख सकते हैं आप, बशर्ते कि आपका टमाटर थोड़ा टाइट होना चाहिए। जैसा आप देखेंगे हमारे ये टमाटर फुल पका हुआ है, लेकिन टाइट भी फुल है। देसी टमाटर होंगे वो भी आपके इसी तरीके से छिल जाएंगे। तो ये देखें हमारे टमाटर छिल गया है। हम क्या करते हैं, फटाफट ये एक टमाटर आपको चॉप भी करके दिखा देते हैं। तो ये रिया, ये छिल गया। किसी भी तरीके से चॉप कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आपका हाथ पड़ा हुआ हो। ये हम इसको इस तरीके से कट कर देते हैं, बीच में से बारीक बारीक चीरे लगा देते हैं और यूं रखते हैं और इसको यूं कट करते हैं। ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें ग्रेवी एकदम से स्मूथ बनानी होती है। स्मूथ ग्रेवी जो होगी उसके अंदर ये टमाटर दिखना नहीं चाहिए, इसलिए हम तब इसका छिलका हटाते हैं। तो ये देखें, जितना भी महीन आपसे हो सकता है इतना महीन इस तरीके से इसको कट कर लीजिए। ये देखें, 2 और टमाटर भी बिल्कुल हम छील के बिल्कुल इसी तरीके से उसको भी हम चॉप करते हैं। ये देखें, छील के इसको तब काटते हैं, जरूर यूज कीजिए। मीडियम फ्लेम पे हमने इसमें 2 सीटी लगा ली हैं। टाइम के हिसाब से हमने इसको 13 मिनट के लिए पका लिया है। और इस वक्त क्या करते हैं, हम इसके मटन के पीसीज इसमें निकाल देते हैं इस वाले बाउल के अंदर। और जो हमारे पास इसका स्टॉक बचेगा वो स्टॉक हम निकाल लेंगे इस मग के अंदर और पकाते। ये देखें, इस तरीके से जो हम पीस निकालेंगे, हरा धनिया, इसमें जो हमने सौंफ धनिया डाला था हल्का सा, हम उसको इस तरीके से आपको बता दें कि आसानी हो, यूं हिला के निकाल लेंगे। ये रिया पीस, स्टोव के अंदर हल्का सा यूं हिलाएंगे और यूं निकाल लेंगे। और हम जो इसके अंदर निकालेंगे पानी मग के अंदर, तो वो सब नीचे बैठ जाएगा। तो ये देखें, सारे पीसेस निकल गए हैं इसके। हम इसका स्टोव इसमें निकाल लेते हैं ये, और आपको दिखा देते हैं इसमें एक आध पीस सौंफ का या धनिया का जा रहा है, मसला नहीं है, उसको हम बाद में छान देंगे। ये स्टॉक हम साइड कर देते हैं। ये हमारा 150 मिलीलीटर के करीब है। ये हम हंडिया बनाते और भूनते समय इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे इसके अंदर जो ये लहसुन है, हम ये निकाल लेंगे, आपको मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके से निकाल लेना है और इसका यूं इधर वाला या इधर वाला कोई सा भी एरिया पकड़ेंगे और हम इसको यूं दबा देंगे। इसका छिलका अलग हो जाएगा और ये वाला जो लहसुन का गूदा है ये हमें चाहिए। इससे हमारे मटन जहांगीरी में बहुत अच्छी खुशबू आएगी ग्रेवी के अंदर और टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो ये हम इसको सौंफ धनिया को हटा देंगे और सिर्फ यूं करके ये निकाल लेंगे, सारे जगहों का निकाल लेते हैं। सौंफ धनिया वेस्ट है, इसका अब काम नहीं है। देखें, हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, हमारा फुल फ्लेम है। ये डिश
बनाने में तो बड़ी आसान है, लेकिन इसके छोटे छोटे स्टेप हैं, उसके बिल्कुल उसी तरीके से करना है। ये देखें हमारा फुल फ्लेम है, हमारे पास जो ये मटन है जो हमने अखनी में उबाला है, हम इसको पहले सेक लेंगे। गोश्त इसलिए मैंने कहा था पूरा नहीं गलाना है, हाफ ही गलाना है। तो इस तरीके से हम डालते हैं, हिलाते हैं। ज्यादा फ्लेम हुआ तो हम मीडियम भी कर सकते हैं। ये जो सूप है ये नहीं डालना है, सिर्फ पीसीज ही डालने हैं। हल्का सा कलर आ जाने तक हम इसको सेक लेते हैं और इसी बाउल में निकाल लेते हैं। हमें ये ऐसा ही कलर चाहिए था, हम ये फौरन अपने पूरे पीसीज निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके का सिखा हुआ चाहिए था, इससे इसका इतना बढ़िया टेस्ट आने वाला है, बहुत ज्यादा अच्छा। तो ये सब निकाल लेते हैं हम। इसमें बचा हुआ है ये जो हम मटन सेकते हैं, तो इसके अंदर घी बिल्कुल भी नहीं लगता है, तो हम इसके अंदर 30 ग्राम घी फिर से डाल देते हैं, फुल फ्लेम करते हैं फौरन। ये देखें जैसे ही घी घुल गया, 4 लौंग डाल देंगे, 4 इलायची डाल देंगे, 1 तेज पत्ता डाल देते हैं, 1 बड़ी इलायची और 2 चुटकी जीरा। घी हमने बहुत तेज गर्म नहीं करा है, जैसे ही हमारा मेल्ट हो गया है घी, फौरन ही हमने ये डाल दिए हैं। ये प्याज है जो हमने आपको दिखाई थी, हम इसका हल्का बादामी कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे फुल फ्लेम पर। ये देखें प्याज का थोड़ा सा ऐसा तेज सा कलर होना बहुत जरूरी है, और ध्यान रखें इससे ज्यादा तेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फुल फ्लेम है जब से लेकर अब तक। हम फौरन इसमें डाल देते हैं लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही हम इसमें अदरक का पेस्ट डाल देते हैं, इसको मिक्स करते हैं। फौरन ये डालते ही ये पकने से रुक जाएगा। और ये वाला लहसुन भी हम डाल देते हैं जो हमने अखनी में से निकाला था, हल्का सा ही भूनेंगे हम इसको, बहुत तेज नहीं भूनेंगे। फौरन हम इसमें टमाटर डाल देंगे, ये देखें फौरन टमाटर नहीं डालेंगे तो हमारी प्याज का कलर ज्यादा तेज हो जाएगा, जो कि हमारी ग्रेवी में अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखें इसको भूनते हैं और 3 से 4 मिनट के बाद ही इसमें ऐड करते हैं और मसाले। ये देखें फुल फ्लेम तो हमने मीडियम फ्लेम कर दिया था, अब ये टमाटर हमारे हल्के से सॉफ्ट हुए हैं, इस वक्त हम इसके अंदर डाल देते हैं मसाले। हम डाल देते हैं 1 टीस्पून एंड हाफ टीस्पून, 1.5 टीस्पून हमारा नॉर्मल रेड चिली पाउडर है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर इस वक्त इसमें यहाँ ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून ही हम ये डाल देते हैं इसके अंदर। धनिया पाउडर, और ये देखेंगे ये रोस्टेड जीरा है, हमने ये बिल्कुल अभी भुना है, 1/2 टीस्पून है उसमें से हम ये 1/4 टीस्पून डाल देते हैं मसाले में, 1/4 टीस्पून हम ऊपर से बचा के रखते हैं। और हम इसमें डाल देते हैं 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम होममेड गरम मसाला, इसको करते हैं मिक्स। 1 चुटकी ब्लैक एंड व्हाइट पेपर यानी के दखनी मिर्च और काली मिर्च पिसी हुई है, सिर्फ 1 ही चुटकी लेनी है, इसको मिक्स करते हैं। और इसके अंदर हम नमक डालेंगे सिर्फ ग्रेवी का, स्टॉक का नमक हमारे स्टॉक के अंदर रहेगा, मटन पे भी हमारा नमक है तो हम सिर्फ ग्रेवी का नमक डालेंगे, यानी के 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम ही हमने डाला है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये थोड़ा थिक सा हो गया है, और टमाटर को अभी पकाना भी है, मेन जो है इसकी ग्रेवी है। हमारा जो ये मटन इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत खास है, तो हमारे टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट होके पके, तो ये हमारे पास स्टॉक है, हम इसमें से ये हाफ डाल देते हैं। फिर हम इस ग्रेवी को भूनेंगे, थोड़ा सा जो पतला करना पड़ेगा वो हम इसके साथ करेंगे। अब हम इसको ढककर पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, हो सकता है बीच में हम इसको स्लो भी कर दें क्योंकि हमारी ग्रेवी हमें बहुत ज्यादा स्मूथ चाहिए। हम इसे कवर करके पकाएंगे, उससे बहुत अच्छा ये ग्रेवी आहिस्ता आहिस्ता पकेगी मीडियम एंड स्लो फ्लेम पर। मिनट मीडियम फ्लेम पर पका दिया था, फिर हमने इसको स्लो फ्लेम पे छोड़ दिया है, कई बार हमने इसको चलाया है, अभी भी ये स्लो फ्लेम पर है जैसा हमें चाहिए। ये अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये फटी फटी सी ग्रेवी है। इस वक्त हम इसके अंदर क्या करते हैं, 1 टीस्पून चीनी डाल देते हैं, इससे इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी होगी, और गरम मसाले और जो हमने मसाले डाले हैं उनका इतना अच्छा बैलेंस आएगा, सिर्फ पकाने ही वाले को पता होगा कि इसके अंदर शुगर है और सबको सिर्फ इसका टेस्ट आएगा। तो हम इसको अभी भी स्लो फ्लेम पर पकने देते हैं, फिर हम इससे घोटते हैं मैशर से, इसको मैश करेंगे, लेकिन अभी मैश करने की कंसिस्टेंसी नहीं आई है, ये थोड़ा सा अभी
लिक्विड ज्यादा है। जैसे ही ये थोड़ा और ज्यादा खुश्क होता है, ड्राई होता है, हम फौरन इसको, ये देखें हमने अपना मीडियम फ्लेम कर दिया है, फिर से स्लो था क्योंकि इस वक्त हम इसे भूनने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे भूनेंगे बिल्कुल ठीक हो जाने तक, या ग्रेवी बिल्कुल घुट जाने तक हम इसको भूनेंगे। ये हमारे पास मैशर है, लकड़ी का है, तो इसको मैश करते भी रहेंगे और ये भूनती भी रहेगी। पूरा कमाल इसकी ग्रेवी का ही होता है। ये देखें लकड़ी का जो मैशर है उससे ये फायदा होता है, आप इसको गरम गरम में भी आराम से चला सकते हैं। लकड़ी गरम तो होती ही नहीं है, तो ये इसके लिए मजे का है। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी हो गई है, लेकिन हमें इससे भी ज्यादा चिकनी चाहिए, तो मीडियम फ्लेम पर ही भूनते रहें इसको। हमारी ग्रेवी को टोटल 15 मिनट हो गई हैं जब से हमने इसको प्याज को भूनने रखा है, जब से लेके अब तक। तो जैसे पाव भाजी की ग्रेवी होती है, ये मटन जहांगीरी बड़ी महंगी डिश होती है, करीम होटल का भी आए तो वहां पर भी आपको ये मिल जाएगी। तो ये देखें ये हमें इस तरीके की चाहिए थी, बिल्कुल चिकनी और फटी फटी। इस वक्त हम इसके अंदर ऐड करते हैं ये मटन, मिक्स करते हैं। और ये जो हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है 100 से 125 मिलीलीटर, ये भी हम डालेंगे, पहले इसको मिक्स करते हैं। ये देखें ये मिक्स भी होने लगा है, और इससे ज्यादा हम इसको अभी भुनाएंगे तो ये लग जाएगा। मटन भूनना बहुत जरूरी है, जो हमने देसी घी में भुना है उससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। हम ये स्टॉक इसके अंदर पूरा डाल देंगे, थोड़ा सा रुक के डालना है, एक आध धनिया का या सौंफ का बीज हो तो हम उसको यूं बचा लेंगे। ये देखें हमें ग्रेवी इससे थोड़ी थिक रखनी है, तो थोड़ी सी हम मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए अच्छे से मिक्सअप भी हो जाएगी, और इसका ये रोगन भी ऊपर आ जाएगा, तो मीडियम फ्लेम पे पकने देते हैं इसको हम 4 से 5 मिनट। करते हैं डिश आउट, दिखाते हैं आपको। ये देखें इसको 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ग्रेवी इसकी ऐसी ही होती है, थिक ही होती है, इससे लगी लगी होती है। तो हम फौरन से इसके फ्लेम को बंद करते हैं, उसको डिश आउट कर, उससे पहले हम इसके अंदर डालते हैं गरम मसाला नहीं बल्कि 2 चुटकी ये रोस्टेड जीरा, ऊपर से सिर्फ 2 चुटकी। ढक देते हैं, फौरन फ्लेम को बंद करते हैं। ये देखें इसको डिश आउट कर लेते हैं, गरम गरम को ही निकाल लेते हैं। एक आध इंग्रेडिएंट अपनी तरफ से भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट नहीं सॉरी उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये इस तरीके का थिक ही होता है, तो इसको निकालें। घर के ही चपाती से बहुत टेस्टी लगता है, और ये शीर माल ले लो तो उससे तो कहने क्या इसके। ये देखें और ये बिल्कुल तैयार है, थोड़ा सा हम इसके ऊपर डाल देते हैं कलर के लिए हरा धनिया, ना डालना चाहें तो ना डालें, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा डालेंगे हम। और ज़रा सा हम इस पर रख देते हैं ये नींबू का पीस, जिसने डालना हो वो डाल लेगा। तो ये देखें इस तरीके से हम इसको रख देते हैं इसके अंदर शीर माल के साथ। तो ये देखें इस तरीके से बनाएंगे, हमारे तरीके से बनाएंगे मटन जहांगीरी, ये ज़रूर बनाएं, ये बहुत आसान है बनाने में ये, और इसका टेस्ट जब आप बनाएंगे तो आप हमें खुद बताइएगा कि आपको कैसा लगा। समीनाज किचन टिप्स हमारा दूसरा चैनल है, उस पर जाएं, उस पर आपके फ़ायदे की बहुत सारी डिशेज़ हैं, उसको भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह।